नागरिकता संशोधन कानून की अच्छाइयों को आम जनता तक पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है। पार्टी कार्यालय में एक कार्यशाला आयोजित करते हुए कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को CAA की बारीकियों से अवगत कराया गया। भाजपा जिलाध्यक्ष शिव सिंह बिष्ट ने बताया कि बैठक में दोनों विधानसभा क्षेत्रों के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया है। उन्होंने बताया कि नागरिकता संशोधन कानून की अच्छाइयों को आम जन तक पहुंचाने के लिए दोनों विधानसभा क्षेत्रों में रैलियों का आयोजन किया जाएगा। साथ ही प्रत्येक कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को CAA की खूबी से आम जनता को अवगत कराएंगे, ताकि नागरिकता संशोधन कानून के संबंध में फैलाई जा रही भ्रांतियों से निपटा जा सके। नागरिकता संशोधन अधिनियम के संदर्भ में आज भारतीय जनता पार्टी जनपद इकाई बागेश्वर द्वारा एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें जो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने एक ऐतिहासिक बिल को कानून का रूप दिया है, जिससे लाखों लोगों को अपना नागरिकता लेने का अवसर प्राप्त होगा, इसलिए एक कार्यशाला यहाँ पर आयोजित की गई है। और इस कार्यशाला के द्वारा हमारे कार्यकर्ता जन जन तक इस कानून के बारे में बतलाएंगे और एक जागरूकता अभियान चलाएंगे। इस कार्यक्रम को लेकर के दोनों विधानसभाओं में एक रैलियाँ यहाँ पर होनी है और निचले स्तर पर भी इस प्रकार की गोष्ठियों का आयोजन यहाँ पर होना है। और क्योंकि यह एक ऐतिहासिक बिल जो कानून का रूप ले लिया है, इसको लेकर के हम लोग जनता के बीच में जाने हैं। ये नागरिकता संशोधन अधिनियम पर एक दिवसीय कार्यशाला है और आज से लेकर 15 तारीख तक लगातार इस जनपद में कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के इसी विषय पर रहेंगे। उसी के संदर्भ में आज ये बैठक का आयोजन है। इसमें पूरे जनपद में दोनों विधानसभाओं में हमारी दो बड़ी रैलियों का आयोजन उसमें होना है। प्रबुद्ध सम्मेलन यहाँ पर जिला वाइज होना है और हमारे कार्यकर्ता घर घर जाकर गांव-गांव जाकर इस नागरिकता संशोधन अधिनियम जो भारत सरकार ने लागू करा उसके बारे में आम जनता पहुंचाने की कोशिश। CCN न्यूज़ के लिए सुरेश पांडे की रिपोर्ट।